तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ये गिवन है कि सपोज ये आपके पास एक प्लेन सरफेस है और ये आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है। तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो, क्वेश्चन में ये गिवन है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक रे आई इस तरीके से, 45 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मैं ये चाहता हूँ कि रे इसके साथ पैरेलल चली जाए और वे फाइनल इमेज कहाँ पर बनाए, ई पे बनाए। ये क्वेश्चन है। तो बताओ इस केस में निकालना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ओई, ओई। तो आपको ये डिस्टेंस बताने क्या होगा, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये गिवन है 1.414 रूट टू और ये 1.5। तो रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर और यहां पर डेंसर टू रेयर। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो लॉजिक ये लगेगा कि पहले आप इसमें रिफ्रैक्शन करके एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पता है तो आर निकालोगे, फिर ये रे सीधी जाएगी और यहां पर बेंड होगी। तो रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस पे फॉर्मूला किया था रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू बाई वी वाला एक फॉर्मूला यहां लगेगा ताकि हम इमेज का डिस्टेंस निकाल सके। देखते हैं कैसे। पहले इसने प्लेन सरफेस ली, प्लेन सरफेस में स्नेल लॉ लगाया, म्यू वन इज साइन आई बाय साइन आर, या आप ऐसे लगा सकते हो वन इंटू मीडियम टू जो भी है, वन इंटू साइन ऑफ 45 इज रूट टू इंटू साइन ऑफ आर, सीधा लगा दो, नहीं तो म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो आपको इस क्वेश्चन में आई तो पता है, आपको इस क्वेश्चन में म्यू भी पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, आर आ गया। ठीक, तो आपको इस क्वेश्चन में आर पता लग गया जो कि कितना है 30। तो आर की वैल्यू इसमें 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री से इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ जो रे जाएगी वो कितने डिग्री पे जाएगी, 30 पे जाएगी, ये इसका मतलब हुआ। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये प्लेन सरफेस है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि मैंने ड्रॉ किया कुछ ऐसे और ये सरफेस ऐसे है, तो अगर ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, और जो रे ने एंगल बनाया वो कितना बनाया रिफ्रैक्शन का, 30 बनाया, 30, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये वाला एंगल क्या होगा 60, ये 60, तो ये भी कितना है 60। तो ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ये पैरेलल जाएगी रे, वो तो अब हमें पता लग रहा है कि क्योंकि ये 60 और ये भी 60 है इस वजह से ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ये गिवन नहीं है, ये आप खुद निकालोगे कि इसलिए पैरेलल हो जाएगी क्योंकि अगर ये एंगल 30 हो गया तो ऊपर वाला एंगल 60, तो ये 60 60 से मैच करेगा, इसका मतलब रे पैरेलल जाएगी, गिवन नहीं है। समझ में आ रहा है यहां तक? ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो मुझे ये पता लग गया कि अगर ये 30 तो नॉर्मल के हिसाब से ये 60 और ये भी 60, तो दो लाइंस पैरेलल हैं, और फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो फॉर्मूला रेयरर टू डेंसर का लगाया जिसमें म्यू वन छोटे वाला रूट टू बड़े वाला 1.5, और क्योंकि रे इसमें सीधी इस पे हिट करेगी स्ट्रेट, तो इसके लिए यू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो सीधी आ रही है और सीधी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यू इसमें क्या पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी, और वी हमने निकालना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका राइट की तरफ होगा तो इट शुड बी पॉजिटिव। सारी वैल्यूज को यहां पुट करेंगे, पुट करके आपके पास क्या आएगा, ओई की वैल्यू आ जाएगी 6.06। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, पहले प्लेन सरफेस और फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन है, कॉम्पिटिशन में आएगा ये, उसमें नहीं आएगा एनसीईआरटी में, बट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये गिवन है कि अ क्वार्टर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। क्वार्टर सिलेंडर क्या होता है समझ लो, ये एक सिलेंडर है, पेन इज अ सिलेंडर, आपको यहां से सर्कल दिख रहा है, आप इसके चार हिस्से कर दो, एक दो, तो एक दो तीन चार, इसमें एक क्वाड्रेंट जो निकलेगा वो ये डायग्राम बना दिया, मतलब ये 1/4 है, ये हाफ हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और ये कंप्लीट, तो इसने तो 1/4 लिया। कहने का मतलब एक सरफेस प्लेन है और दूसरी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो कह रहा है एम आर डिस्टेंस पे, एम इन टू आर गिवन है, ये डिस्टेंस आर गिवन है, म्यू वन म्यू टू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है इसमें 1.5 है इसका और ये 1 है, आपको एम बताना है कितना हो ताकि जब रिफ्रैक्शन हो फाइनल तो रे कैसे निकल जाए, सीधी निकल जाए, गिवन है क्वेश्चन में,
तो मैं ये चाहता हूं कि ये सीधी निकलने का मतलब क्या है कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वी इज इंफिनिटी, क्योंकि सीधा निकलने का मतलब फाइनल इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। ठीक, तो आपको एम बताना है क्या हो। तो इसके अंदर भी दो केस बनाने पड़ेंगे, पहला फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे प्लेन पे और फिर स्फेरिकल पे। तो सबसे पहले प्लेन के ऊपर अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो प्लेन के लिए रे गई नॉर्मल टूवर्ड नॉर्मल रिफ्रैक्शन फिर नॉर्मल और ये डायग्राम बनेगा। तो जब इस अगर ये सरफेस ना होती तो इसकी इमेज कहां पर बनती, आई वन पे बनती। तो इसकी इमेज आई वन पे बनती यहां पर, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, पर इसके लिए ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इमेज विल बी फॉर्मड एट इंफिनिटी। दो केस समझ में आ रहे हैं? ठीक, तो इसके लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है और मैं पूछूं कि इमेज कहाँ बन रही है, तो एक तो शॉर्टकट लगा सकते हो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ वाला, क्योंकि प्लेन सरफेस है। अगर नहीं समझ में आता, एक बहुत बढ़िया तरीका है जो इस सॉल्यूशन में यूज किया गया है, आप किसी भी सरफेस के लिए यही फॉर्मूला लगा लिया करो, बस ये देख लिया करो रेयरर टू डेंसर है या डेंसर टू रेयरर है। पहली सरफेस में रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं तो रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला लगाओ, जिसमें म्यू वन वन है और म्यू टू की वैल्यू म्यू है, आर वन और म्यू यू वन और वी वन। तो फर्स्ट सरफेस के लिए यू कितना होगा, एम आर, तो यू की जगह माइनस एम आर लेफ्ट की तरफ है, लेकिन ये तो प्लेन सरफेस है तो रेडियस की जगह क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि कर्व तो है ही नहीं है, स्फेरिकल तो है ही नहीं, तो रेडियस प्लेन सरफेस का क्या लिया जाता है, इनफाइनाइट। तो ये फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल सरफेस के लिए ही लगेगा, किसी भी सरफेस के लिए लगेगा, लेकिन आर को क्या पुट कर देना है, इनफाइनाइट। तो यहां पर आपने इन्फिनिटी और म्यू की वैल्यू यहां पर क्या पुट करनी है, 1.5। तो जब ये वैल्यूज को पुट करोगे, वैल्यूज पुट करके वी वन आएगा -1.5 mr, यानी कि आपको ये डिस्टेंस पता लग गया, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जहां ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज है, वी वन आ गया। अब जब सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए ये ध्यान से देखना, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अब फॉर्मूला चेंज हो गया, डेंसर टू रेयरर का फॉर्मूला, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आई वन है, जिसका डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस वी वन, तो ये 1.5 mr है, तो आर प्लस 1.5 mr किसके इक्वल आएगा, ये रहा माइनस साइन इसलिए क्योंकि लेफ्ट की तरफ है। ठीक, तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये बनेगा और आपने ये वाला डिस्टेंस तो निकाल ही लिया 1.5 mr, इसमें आर ऐड कर दो, यू आ गया, और वी के लिए क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी, तो V की जगह यहां पर क्या आएगा, इंफिनिटी। तो यहां पर फिर से फॉर्मूला लगाओ, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर में आपने जो वैल्यू पुट कर, और V को इंफिनिटी पुट करते हुए 1/इंफिनिटी 0 पुट करते हुए M की वैल्यू आएगी 4/3। तो एक बार आपने फॉर्मूला लगाना है लेफ्ट सरफेस का, एक बार आपने फॉर्मूला लगाना है राइट सरफेस का। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, जाके रिवाइज करना, समझ में आएगा एक एक स्टेप कैसे लिखा हुआ है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, कौन सा? ओके, इसी में फर्स्ट सरफेस की सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस के अंदर ये रहा सेकंड सर, फर्स्ट में प्लेन सरफेस का आर होता नहीं ना, उसका 1/इन्फिनिटी, ये लो 1/इन्फिनिटी जो होता है वो जीरो होता है ना, ये वाला देखो, रे ऑफ लाइट इसके लिए रेयरर टू डेंसर, तो रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला होता क्या है, माइनस जो म्यू वन बाई यू, म्यू वन वन है, यू की जगह यू वन है, म्यू टू बाई वी, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, यू वन की जगह माइनस एम आर, आर की जगह इन्फिनिटी, म्यू टू म्यू इज 1.5 पुट कर लिया, ये जीरो हो गया, इसको सॉल्व कर लिया। तो घर जाके आप खुद सॉल्व करोगे ना एक बार, तो एक आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे करना है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? शिवानी, कैलकुलेशन मिस्टेक है, -1 नहीं आएगा,
अच्छा कैलकुलेशन अपनी अपनी देखा भी नहीं मैंने यार, बस अपना अपना कर लेना, आंसर सही आएगा।